गणेश पूजा की होगी महाआरती और यही गणेश चतुर्थी के दिन सोनाक्षी लूथरा हाउस में अपनी जगह बनाने के लिए चलेगी एक सबसे बड़ी चाल और हमेशा के लिए लूथरा हाउस में हासिल कर लेगी अपनी जगह। और करण को हासिल करने के लिए सोनाक्षी प्रीता को करेगी करण से दूर। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में गणेश चतुर्थी के दिन सोनाक्षी घर में अपनी जगह बनाने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहाँ पर गणेश पूजा के लिए राखी माँ ने लड्डू के ऑर्डर्स दिए होंगे। तब जानबूझकर सोनाक्षी और उसके पापा जानबूझकर हलवाई के पास जाकर लूथरा हाउस को बोलने के लिए कह देंगे कि वो ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, जिस वजह से गणेश पूजा के लड्डू के ऑर्डर्स लूथरा हाउस में कंप्लीट ना होने की वजह से इसी का फायदा उठाकर सोनाक्षी लूथरा परिवार वालों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए वो सारे लड्डू के ऑर्डर्स कंप्लीट करवाएगी। लेकिन सोनाक्षी गणेश पूजा की आड़ में सबसे बड़ी चाल तो तब चलेगी जब गणेश पूजा की आरती हो रही होगी और आरती खत्म हो जाने के बाद जब पार्टी शुरू होगी तब उसी पार्टी में सोनाक्षी पीहू को किडनैप करवाने का बड़ा गेम खेलेगी, जहाँ पर सोनाक्षी के ही भेजे हुए गुंडे सोनाक्षी के सामने किसी को पता ना चले ऐसे पीहू को किडनैप कर लेंगे और किडनैप हुई पीहू को सोनाक्षी पीहू को बचाने का नाटक करेगी। जहाँ पर जब गुंडे पीहू को ले जाएंगे तब पूरे लूथरा परिवार में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि पीहू किडनैप हो गई है और इसी का फायदा उठाकर सोनाक्षी पीहू को बचाने का ड्रामा करेगी, जहाँ पर सोनाक्षी गुंडे के पीछे पीछे जाएगी और पीहू के सामने वो गुंडे सोनाक्षी के कहने पर सोनाक्षी पर ही वार कर देंगे, जिससे पीहू को लगे कि सोनाक्षी ने उसकी जान बचाई है। और इसी वजह से सोनाक्षी के चाल के मुताबिक पीहू के मुंह से यही बात पूरे परिवार के सामने कहलवाने के लिए जब सोनाक्षी पीहू के साथ वापस लौटेगी तब सोनाक्षी की हालत काफी ज्यादा खराब होगी, लेकिन असलियत में सोनाक्षी बिल्कुल ठीक होगी। और जब सोनाक्षी पीहू को लेकर लूथरा हाउस पहुंच जाएगी तब पीहू करण प्रीता को गले लगाकर काफी ज्यादा रोएगी और करण प्रीता को कहेगी कि सोनाक्षी आंटी ने मुझे बचाया, जिस वजह से करण प्रीता और पूरे लूथरा परिवार को लगेगा कि पीहू आज सिर्फ और सिर्फ सोनाक्षी की वजह से बची है। लेकिन सोनाक्षी की चाल चलन देखकर शैलिन को एहसास हो जाएगा कि ये सब सोनाक्षी ने किया है और सोनाक्षी का ड्रामा है और जरूर पीहू को किडनैप करने के पीछे और किसी का हाथ नहीं बल्कि सोनाक्षी का ही हाथ है। यह सब शैलिन को सोनाक्षी के बारे में एहसास होगा, लेकिन करण प्रीता और पूरे लूथरा परिवार के नजरिए से पीहू की जान सोनाक्षी ने बचाने की वजह से और सोनाक्षी का साथ उसके पापा ने छोड़ देने की वजह से प्रीता एक बड़ा फैसला लेगी और सोनाक्षी को कहेगी कि तुम पीहू के लिए हमारे साथ यहीं पर रहो, जिसे सुनकर शैलिन को काफी बड़ा शॉक लगेगा, जिसके बाद सोनाक्षी हमेशा के लिए लूथरा हाउस में रहेगी। लेकिन शैलिन के सामने सोनाक्षी के असली मकसद और उसकी असली सच्चाई सामने तब आएगी जब सोनाक्षी अपने कमरे में अपने पापा से जब बात कर रही होगी, तब शैलिन को एहसास हो जाएगा कि जैसे सोनाक्षी दिखती है वैसी है नहीं एंड वो बड़ी चाल चल रही है, जिस वजह से शैलिन सोनाक्षी को रंगे हाथों उसके बाप के साथ बात करती हुई पकड़ लेगी एंड सोनाक्षी शैलिन के सामने कबूल कर लेगी कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करण के लिए आई है क्योंकि उसे करण चाहिए, जिस वजह से शैलिन इसी का फायदा उठाकर सोनाक्षी के साथ मिल जाएगी और शैलिन एंड सोनाक्षी दोनों मिलकर करण प्रीता को अलग करने के लिए और प्रीता को घर से बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी चाल चलेंगे। और अगर करण प्रीता अलग हो गए और अगर सोनाक्षी ने प्रीता की जगह ले ली तो इसके बारे में आपकी राय क्या है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।